महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रुकने पर दरवाज़ा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल रखा ना, मैंने काफी समय दे दिया था आप लोगों को ये सब करने के लिए। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी खाली सीट पर उनको बैठने को कहा, दद्दा आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वह बाल गणेश की प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे की सवारियों से पैसे लेता दद्दा के सामने आया और पूछा, दद्दा आप कहाँ जाओगे? बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास उनसे पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी, फिर इस उम्र में 2 घंटे के सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से ये गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आजकल गांव में मिलती तो है मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं। देखो ये कितनी प्यारी और जीवंत है, लेकिन यहाँ से मूर्ति ले जाने की एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा है। 15 साल पहले काम धंधे के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। सामान खरीदने बाजार गए, अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों में बह निकला। मूर्तिकार भी ये देखकर भाविवल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से ये सिलसिला जारी है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश जी को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, पर फिर भी केवल 10 दिन के लिए ही सही। जब तक मैं उसको ये सुख दे सकता हूँ मैं उसे दूंगा, उससे ये सुख मैं छीनना नहीं चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से अपने घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों को अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कोई इधर उधर से मूर्ति को देखने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर एक दर्द भरी मुस्कान से दद्दा बोले कि विधि विधान से हम पूजा करते हैं तो विसर्जन भी करते हैं, पर इन 10 दिनों में जैसे उसके वात्सल्य का स्रोत फूट पड़ता है जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी वो रंगोली डाल शाम को तोरण से द्वार सजाकर वहाँ राह देखती बैठी होगी। इसलिए जब तक संभव होगा उसे ये सुख देता रहूँगा, कहते दद्दा का गला रुंध गया। बस निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी। दद्दा का गांव आने वाला था। उन्होंने मूर्ति पास खड़े सज्जन को पकड़ाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, लो बेटा 1.5 टिकट दे दो। ये सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट क्यों? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा,
एक मैं और एक मेरा ये बाल गणेश। ये सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। दादा बोले, जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं वह क्या केवल मिट्टी है? वह साक्षात भगवान है। ये कहते हुए दादा का कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर और सारी बस करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे। बस एक झटके से रुकी और दद्दा का गांव आ गया। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सब के मुंह से निकला, देखिए दद्दा संभाल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थाम तेज कदमों से पगडंडी पर आगे बढ़ गए।